दोस्तों, आज हम लोग एक नया टेक्सचर डिज़ाइन सीखेंगे जिसका नाम है फिंगर ब्रिक्स। ये डिज़ाइन हम लोग आज सीखेंगे और आने वाले वीडियो में हम लोग इसके ऊपर बेस कोट और टॉप कोट कैसे लगाते हैं वो भी सीखेंगे। देखिए दोस्तों, इतना सुनहरा डिज़ाइन जिसके ऊपर मैंने गोल्डन और रेड में कॉम्बिनेशन करके ये मैंने टेक्सचर बनाया है, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, मैंने एक कार्टून का टुकड़ा ले लिया है जिसको सीधे में 5 इंची और आड़े में 11 इंची रखा है और दीवार के हिसाब से, दीवार थोड़ी बड़ी है इसीलिए मैंने ये हिसाब से रखा है। आप छोटी बड़ी दीवार हो तो अपने हिसाब से उसका नाप रख सकते हैं। देखो, एक टुकड़ा ले लिया है मैंने, उसके ऊपर एक हैंडल बना दिया है, जैसे अपना गुरु माला होता है ना, उस प्रकार मैंने बना दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्मार्ट टेक्सचर। देखिए दोस्तों, मैंने ये दीवार पे आड़ा रखा, फिर इसके ऊपर क्रॉस में रखी, इस प्रकार मैंने डिजाइन तैयार की है। दोस्तों ध्यान से देखना, पूरे ये कार्टून का टुकड़ा जिसे मैंने गुरु माला का शेप दिया है, उसे एक बाय स्टेप रखना है। जैसे आपने क्रॉस में रखा, उसको सटा के अपना 5 इंची वाला हिस्सा रखना है, फिर उलट के आप दूसरी जगह पे 5 इंची वाले हिस्से को आप 11 इंची वाला हिस्सा रखना है, ताकि ये क्रॉस में डिज़ाइन बन के तैयार हो सके। ये डिज़ाइन हम लोग 3D लुक दे रहे हैं इस डिज़ाइन का, जिसे ब्रिक्स से भी मिलता जुलता है, टाइल्स से भी मिलता जुलता है, और इसका 2-3 का कॉम्बिनेशन तैयार करके मैंने ये डिज़ाइन आपके सामने बनाया है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ, आपको भी उसी प्रकार करते हुए चले जाना है। ये पेंसिल है, पेंसिल से इस प्रकार आप मार्किंग मारिएगा। देखिए, मैं आड़ा रखा, इसके ऊपर वापस सीधा क्रॉस में रखा है, पूरे टच करके ही आपको आगे चलना है। अगर थोड़ा सा भी गैप आपने कर दिया तो डिज़ाइन आपका बिगड़ सकता है। देखिए इस प्रकार जैसे मैं तैयार कर रहा हूँ, इस प्रकार आप बॉक्स बनाते हुए चले जाइए, डिज़ाइन अपने आप बनता चला जाएगा। ज़्यादा घाई मत कर, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई ये डिज़ाइन आराम से बना सकता है। बस एक बार आपको वीडियो बराबर पूरी देख लेनी है, इसके बाद आप ये डिज़ाइन आराम से बना सकते हैं 3D लुक में। देखिए दोस्तों, इस प्रकार आप पेंसिल से मार्किंग मारते हुए चले जाओ और आपके सामने डिज़ाइन बॉक्स बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए इसी प्रकार आप डिज़ाइन बनाइए। दमन हाउस प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्टर। देखिए, जैसे अपने चारपाई में जैसे अपन बुनते हैं ना टेप, उसी प्रकार का डिज़ाइन लग रहा है। देखिए, जैसे मैंने इसको तैयार करने के बाद, इस प्रकार आप मास्किंग टेप लगा दीजिए। जैसे मैं लगा रहा हूँ, इसी प्रकार बॉक्स के ऊपर टचो टच आप इस प्रकार मास्किंग टेप आपको लगाना है। कई पेंटर भाई लोग मुझे पूछते हैं कि मास्किंग टेप क्या होता है। मास्किंग टेप एक पेपर वाली टेप होती है, जिसे आप कोई भी हार्डवेयर की दुकान पे आप जाओगे, बोलोगे कि मुझे मास्किंग टेप चाहिए, तो वो आपको दे देगा। मैंने ये एशियन पेंट की ही मास्किंग टेप लगाई है, आपको एशियन पेंट की दुकान पे ये टेप आराम से मिल जाएगी। देखिए, पूरा बॉक्स के ऊपर आपको ये टेप ऐसे ही लगा देनी है, जैसे पहले डिज़ाइन बनाया, जब अपना पेंसिल का मार्किंग किया, उसी प्रकार आपको टेप भी लगाना है। देखिए, मैं लगा रहा हूँ, जिस प्रकार मैं आपको टेप लगाते हुए दिखा रहा हूँ, इसी प्रकार आप भी लगाइए। फिर मास्किंग टेप का जो ज़्यादा हिस्सा जो बच जाता है, उसको आप ऐसे पत्रे रख के आप उसको काट सकते हैं, ब्लेड से भी काट सकते हैं। मैंने छोटा अपना पुट्टी की पट्टी ली है, पत्रा जिसे बोलते हैं, अपना माल चढ़ाते हैं ना छोटा वाला, वो मैंने लिया है। उस प्रकार उससे आराम से ये मास्किंग टेप कट जाती है। देखिए, इसी प्रकार आपको भी ये बॉक्स मास्किंग टेप से तैयार करना है, जैसे मैं तैयार कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों,
ये डिज़ाइन बनाने के लिए थोड़ा संयम रखना पड़ता है और इसमें मेहनत काफ़ी है। अगर मेहनत करोगे तो फल तो अच्छा मिलेगा ही, इसीलिए आप डिज़ाइन बनाते समय थोड़ा भी घबराना नहीं है, थोड़ा शांति से काम लेना है, डिज़ाइन आराम से बन जाएगा। देखिए इस प्रकार जैसे मैं लगा रहा हूँ, बराबर जैसे बॉक्स है वो हिसाब से आप इसको टेप ऐसे लगाना है और काट देना है, तो आपका ये डिज़ाइन बनते हुए आपको नज़र आ रहा है। देखिए इस प्रकार जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, इसी प्रकार लगाइए, फिर ज़्यादा टेप बचे उसको ऐसे काट लीजिए, तो क्या आपका ब्रिक सब तैयार हो जाए, क्रॉस में पूरा 3D लुक तैयार हो रहा है। देखिए इस प्रकार आप काट के हुए आगे चले जाइए। देखिए दोस्तों, मैंने ये डिज़ाइन की वीडियो जो बनाई है तो थोड़ी लंबी हो रही है, इसीलिए मैंने ये डिज़ाइन दो पार्ट में बांटा है। एक पहला पार्ट ये है जिसमें आपको मैं डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा, कैसे डिज़ाइन बनाते हैं, और आने वाले पार्ट में उसके ऊपर आप बेस कोट कैसे लगा सकते हैं, फिर उसके ऊपर टॉप कोट कैसे लगा सकते हैं, टॉप कोट 2 कैसे लगा सकते हैं, इस और कैसे ये डिज़ाइन को आप 3D लुक में तैयार कर सकते हैं, ये मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। देखो दोस्तों, जैसे मैंने ये ब्रिक्स तैयार किया है, ये बॉक्स जैसे तैयार किया है टैप से, उसी प्रकार आपको भी तैयार करना है। देखिए इस प्रकार आड़ा सीधा आड़ा सीधा आड़ा सीधा ऐसे आप भी बॉक्स को तैयार करते हुए चले जाइए। देखिए देखो दोस्तों, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप ये टैप लगाते हुए जाएंगे तो आप डिज़ाइन अपने आप बनता हुआ नज़र आएगा। देखिए इसी प्रकार, हाँ तो दोस्तों, ये टैप लगाने से पहले हम लोग ने इस दीवार को 2 कोट वॉल पुट्टी, बिल्ला वॉल की पुट्टी लगाया है, फिर घिस के उसके ऊपर प्राइमर लगाया है। प्राइमर लगाने के बाद हम लोग ये टैप लगा रहे हैं। बिना प्राइमर लगाए कभी भी आप टैप नहीं लगाना, वरना डिज़ाइन बनाते समय आपकी टैप उखड़ सकती है और टैप उखड़ने से आपका डिज़ाइन बिगड़ सकता है। इसीलिए हर पेंटर थोड़ा ध्यान रखे कि आप पहले वॉल पुट्टी लगाने के बाद उसको घिसाई करके प्राइमर लगाने के बाद ही आप ये पेंसिल से मार्किंग करिएगा। मार्किंग करने के बाद इसके ऊपर टैप लगाइएगा। देखिए ये किनारे किनारे पे भी मैंने टैप लगा दी है ताकि उसको माल को ज़्यादा सफाई नहीं करना पड़े और टैप निकालने समय आपकी डिज़ाइन बिगड़े नहीं। इसी प्रकार आपको दीवार को तैयार कर लेना है, जैसे मैं तैयार कर रहा हूँ आप भी इस प्रकार आप दीवार को तैयार कर लीजिए। देखो दोस्तों, जैसे टैप लगाइए तभी आपका डिज़ाइन और टेक्सचर कितना सुनहरा लग रहा है, तो सोचिए कि इसके ऊपर आप जब टेक्सचर बनाएंगे तब कैसा लुक आएगा। स्मार्ट टेक्सचर हमारे चैनल का नाम है। दोस्तों आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट होकर और भी अच्छी अच्छी वीडियो अपने चैनल पे लाता रहूँगा। दोस्तों बस यही उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी प्रकार आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। नए दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब पहले से कर रखा है उसको सही दिल से उसका शुक्रिया करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार आपको दीवार तैयार कर लेनी है जैसे मैंने ये तैयार कर लिया है। तो दोस्तों मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि मैंने एक कार्टून का बॉक्स लिया है, कार्टून का बॉक्स क्यों मैंने 5 इंची खड़े में काटा है और आड़े में 11 इंची काटा है। अगर आपकी दीवार इससे छोटी हो तो आप 4 इंची खड़े में रख सकते हैं और आड़े में आप 9 इंची रख सकते हैं। इसी प्रकार जैसी बड़ी दीवार हो छोटी दीवार हो, इस प्रकार आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इसी प्रकार आपको दीवार तैयार कर लेनी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है बिल्ला वॉल केयर पुट्टी जिससे हम लोग आज टेक्सचर बनाएंगे। उसको आप पानी डाल के आप ये माल को तैयार कर ले।
जैसे मैं तैयार कर रहा हूँ, ये मशीन से माल बना है, और उसको एक बात का ध्यान रखिए कि उसमें थोड़ा रोड़ी नहीं आए। देखिए मैंने वॉल पुट्टी के अंदर ये अपना एस पेन टेराकोटा डाल दिया है, एस पेन टेराकोटा डाल दिया है। आप चाहे तो उसको वाइट में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये डिज़ाइन मेरे को सिंगल रेड में तैयार करनी है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मेरे पास ये टेराकोटा बचा था तो मैंने उसको उसके ऊपर डाल दिया। तो उसके फ़ायदा ये होगा कि अपना सिंगल रेड थोड़ा दाग होता है तो इसके ऊपर थोड़ा लाइट है तो फटाफट उसके ऊपर कलर बैठ जाएगा। वो हिसाब से मैंने इसको माल को तैयार किया है। देखिए दोस्तों, ये माल चाहे तो आप पत्रे से भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरा हर वीडियो में यही कोशिश रहता है कि मैं हर एक भाई को मैं आसान तरीके से ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊं। इसीलिए मैंने ये माल अपने हाथों से चढ़ाया है। कई नए पेंटर भाई लोग जो होते हैं उसे पत्रे से माल चढ़ाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसीलिए मैंने ये डिज़ाइन और सरल बनाने के लिए और सरल भाषा में समझाने के लिए समझाते हुए मैंने ये माल अपने हाथों से चढ़ाया है। इसी प्रकार आपको भी चढ़ाना है। अगर आप पत्रे से भी चढ़ा सकते हैं अगर आप चाहे तो, मैंने इसको सरल भाषा में समझाने के लिए मैंने हाथों से माल चढ़ाया है। देखिए इसी प्रकार आप, मैं जैसे माल चढ़ा रहा हूँ हाथों से, इसी प्रकार आपको भी हाथों से माल चढ़ाना है। लेकिन दोस्तों एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि माल चढ़ाते समय हर जगह पे एक जैसा माल चढ़ना चाहिए, कहीं पे जाड़ा कहीं पे पतला माल नहीं चढ़ना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो डिज़ाइन आपका बिगड़ सकता है। देखिए आपकी हथेड़ी चार उंगली खोल लीजिए, दीवार को टच कर लीजिए और सांप जैसे चलता है वैसे आप लेहरा दीजिए तो डिज़ाइन अपने आप बनता हुआ नज़र आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे मैं अपना उंगली जैसे घुमा रहा हूँ इस प्रकार आप भी घुमा सकते हैं। अभी दोस्त आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बड़ी दीवार हो तो उसमें जॉइंट आ जाएगा, जोड़ आ जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये पूरे में टेप लगा के हम लोग ने ये डिज़ाइन निकाली है, इसीलिए ये बात तो थोड़ा निश्चित हो जाइए कि कहीं पे जोड़ आ जाए, कहीं पे जोड़ आएगा ही नहीं। अगर कहीं पे आया है टेप निकालने बाद सब कुछ सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, इस प्रकार आपको हाथों से माल चढ़ाना है, चार उंगली खोल के जैसे सांप चलता है वैसे उंगली से आपको लहरा देना है। लहराते हुए चले जाइए तो डिज़ाइन अपने आप बनता हुआ नज़र आपको आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे हाथ चला रहा हूँ उसी प्रकार आपको भी चलाना है। देखिए इस प्रकार, और ये आपको इसमें रिनोवेशन भी कर सकते हैं। जैसे मैं उंगली से कर रहा हूँ इसके ऊपर आप पंच रोलर भी घुमा सकते हैं, या फिर लंबे बाल वाला कम्बल वाला रोलर है उसको घुमा सकते हैं तो डिज़ाइन और अलग दिखेगी, इस पर और वेराइटी आ जाएगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट करके मैं और डिज़ाइन भी बना सकता हूँ। मेरे वीडियो लिस्ट में एक वीडियो पड़ा है जिसमें इस प्रकार की डिज़ाइन और भी मैंने बनाई है, लेकिन वो अलग तरीके से बनाई है, बहुत ही डिफरेंट है इसमें और उसमें। आप वो डिज़ाइन सीखना चाहते हो तो मेरे वीडियो लिस्ट में वीडियो पड़ा है, वो आप जाके उसको देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, चार उंगली से इस प्रकार आपको लहराना है और दो दो बार तीन तीन बार जैसे लहराएंगे तो आपकी डिज़ाइन और अलग डिज़ाइन, सुनहरी डिज़ाइन आपके सामने बनते हुए आप देख पाएंगे। देखिए इस प्रकार, अभी लग रहा है कि क्या डिज़ाइन बन रहा है, लेकिन जब आप ये टैप को जब उखाड़ोगे, टैप को निकालोगे ना, तो आपके सामने एक अलग ही लुक नज़र आएगा। देखिए मैंने दीवार के कोने में जो टैप लगा दी थी वो मैं अभी निकालने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, गीले गीले में ही टैप निकालना है, लेकिन ज़्यादा गीले में मत निकालना, थोड़ा माल सेट हो जाए 10-15 मिनट के बाद आप आराम से टैप निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्त एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि टैप आज 10-15 मिनट के बाद ही निकालना है। अगर आप ये सोचोगे कि आज टैप रहने देता हूँ कल निकालूँगा तो माल सूख जाएगा, अगर माल सूख गया तो आपकी टैप निकल नहीं पाएगी और आपका डिज़ाइन बिगड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी यही डिज़ाइन आप बनाओगे तो 10-15 मिनट के बाद माल सेट हो जाए तो आप ये डिज़ाइन
कि अपन टैब जो लगाई है मास्किंग टैब उसको ध्यान से थोड़ा निकाल दीजिए। जैसे मैं अभी निकाल रहा हूँ इसी प्रकार आप भी निकालो तो डिज़ाइन बनता हुआ आपके सामने नज़र आएगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार डिज़ाइन लग रहा है और ये आप देख सकते हैं। आप सोच रहे हो क्या डिज़ाइन बना, लेकिन अभी देखिए कितना सुनहरा डिज़ाइन लग रहा है। देखिए इस प्रकार आप टेप निकालेंगे और डिज़ाइन आपके सामने बनता हुआ नज़र आ जाएगा। देखिए दोस्तों देखिए इस प्रकार आप टेप निकालो और जादू देखो। दोस्तों इस प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है, मैं नए नए वीडियो आपके सामने लेके आता रहता हूँ टेक्सचर का। तो आप लोग को और वीडियो देखना है और कोई टेक्सचर आप सीखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो देखो दोस्तों इस प्रकार आप 3D लुक नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले वीडियो में आप देख पाएंगे कि उसके ऊपर टॉप कोट कैसे लगाते हैं, बेस कोट कैसे लगाते हैं, टॉप कोट 2 कैसे लगाते हैं, वो आप आने वाले वीडियो में देखेंगे। अब ये वीडियो में भी ये मैं ला सकता था, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसीलिए मैंने आने वाले वीडियो में ये लाने का मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये देखिए अभी मैंने डिज़ाइन बन के तैयार कर ली है, ये देख अभी कैसी लग रही है थोड़ा कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना। स्मार्ट टेक्सचर मेरे चैनल का नाम है, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो जिसने मेरा सब्सक्राइब कर लिया है उसको मैं सही दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। देखो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, हम लोग आगे मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, जिसमें हम लोग टॉप कोट बेस कोट और टॉप कोट 2 कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। नमस्कार दोस्तों।